हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट तुलसीराम सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कुछ नए नियम, कुछ नए लॉ के बारे में, जो आने वाले 26 आज से आप काउंट करेंगे, आज से 26 दिन बाद वो चीज़ लागू हो जाएंगी। आइए बात करते हैं वो कौन से नियम हैं। जी हाँ, आइए जानते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने की सोच रहे हैं या चला रहे हैं तो, और अगर चलाने के लिए या खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो ये नियम आपके लिए बहुत खास है। और जान लीजिए इस नियम को, नहीं आगे आपको भारी भरकम जुर्माना या नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं क्या है। 26 दिन बाद गाड़ी से जुड़े बदलाव, कुछ नियम बदलाव किए जाएंगे नियम में। आइए जानते हैं क्या नियम है, मतलब क्या नियम में बदलाव किए गए हैं। वाहन चालकों के लिए ये खबर बेहद ज़रूरी है, होने वाली है। जानकारी के अनुसार आने वाले 26 दिनों के बाद गाड़ियों से जुड़े ये नियम बदल जाएंगे। आइए जानते हैं क्या है बदलाव। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री 1 अक्टूबर से नए नियम लागू करने जा रही है। ये नियम मौजूदा बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड के नियम में कुछ अपडेट किए गए हैं। इस साल इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने वाले मामलों में चलते सरकार ने इन नियमों को तैयार किया है। जी हाँ, पहले आग बहुत ज़्यादा, जो बैटरी रिक्शा होते हैं या बैटरी गाड़ियाँ होती हैं जो चार्जिंग से चलती हैं, उनमें काफ़ी आग लगने की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके नियम में ना कुछ बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं क्या है। इस साल इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो आग लगने वाले मामलों के चलते सरकार ने नया नियम तैयार किया है। सरकार ने बैटरी में आग लगने के मामलों की जाँच के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई थी। जी हाँ, इस स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर टू व्हीलर्स, क्वाइट्री साइकिल और फोर व्हीलर के लिए 156 सेफ्टी स्टैंडर्ड में अपडेट जारी किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तैयार किए गए नए नियम। ईवी में आग लगने वाले मामलों की जांच करने के वाली कमेटी ने 29 अगस्त 2022 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जी हाँ, जो एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने 29 अगस्त को अपनी एक रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी थी अपनी जाँच के बाद। उसके बाद सेफ्टी के नए नियम इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन बनाए गए हैं। जानते हैं नियम क्या है और नियम की कैटेगरी क्या है। तो इनको कुल मिला के 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एल व्हीकल, 4 से कम चक्कों वाली गाड़ी, एम व्हीकल और एन व्हीकल, 4 चक्कों वाली गाड़ी। आप ये समझ गए होंगे, एल व्हीकल, व्हीकल्स 4 चक्कों से कम वाली गाड़ी, एम और एन, 4 चक्कों वाली गाड़ी, जिसका इस्तेमाल सवारी, पैसेंजर और सामान के लिए किया जाता है। नए नियम में बैटरी सेल ऑन बोर्ड चार्जर, जी हाँ, जो नए नियम आए उसमें नए नियम में क्या दिया गया है, बैटरी सेल ऑन बोर्ड चार्जर, बैटरी पैक के डिवाइस और इंटरनल से शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण थर्मल ट्रांसफॉर्मर से संबंधित एक्स्ट्रा सेफ्टी शामिल है। नए नियम में नोटिफिकेशन ईवी मैन्युफैक्चर के लिए जारी किया गया। जी हाँ, जो अब नए बैटरी बनाए जाएंगे, जो ठीक है, उसमें जो डिवाइस, ऐसी डिवाइस लगाए जाएंगे जो सेंसर से जुड़े होंगे, उसमें आपको नोटिफिकेशन भी देंगे। अगर कोई दिक्कत आती है आपकी बैटरी में या आपके चार्जिंग पॉइंट्स में, अगर कोई दिक्कत आती है तो ये इसमें नोटिफिकेशन लगाए जाएंगे, आपको सिग्नल देंगे और आग से बचाएंगे। उसमें काफ़ी सारे हादसे होते हैं तो उससे आप बच सकते हैं। ड्राइवर्स के लिए वार्निंग सिस्टम, जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए वार्निंग सिस्टम पहला जो उसमें लगाया जाएगा, जो फीचर्स है, जो स्टैंडर्ड फीचर्स है, ठीक है, उसके हिसाब से, ठीक है, ड्राइवर्स के लिए वार्निंग सिस्टम उसमें लगाया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल से सेल के थर्मल रनवे के मामले में थर्मल घटनाओं या गैसों का जल्द पता लगाने के लिए ऑडियो विजुअल अलर्ट से भी लैस किया जाएगा, जो प्रॉब्लम होती है उनसे रिलेटेड। सेफ्टी फ्यूज़,
अगला जो कदम है, जो उसमें फीचर्स है, वो सेफ्टी फ्यूज है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक सेफ्टी फ्यूज होना अनिवार्य कर दिया गया है। यह ज़्यादा गर्मी पैदा होने वाले हाई करंट फ्लो के मामलों में पावर ट्रेन से बैटरी को उड़ा देगा। जो पावर ट्रेन होंगे उनको उनका जो बैटरी का कनेक्शन होगा उसको उड़ा देगा, अलग कर देगा और तुरंत डिसकनेक्ट कर देगा। जी हाँ, एक बार मैं दोबारा इस चीज़ को बताना चाहूँगा, जो सेफ्टी फ्यूज़ क्या है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक सेफ्टी फ्यूज़ होना अनिवार्य कर दिया गया है, ज़्यादा गर्मी पैदा होने या हाई करंट फ्लो के मामलों में पावर ट्रेन से बैटरी को उड़ा देगा, तुरंत डिसकनेक्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि जब डिसकनेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा पावर फ्लो होगा, ठीक है, तो क्या जब ज़्यादा फ्लो होगा तो उसको रोकने के लिए जब बैटरी और पावर ट्रेन को क्या करेगा, डिसकनेक्ट कर देगा, तो बैटरी फटने की जो शंका होती है वो कम हो जाएगी। बैटरी सेल्स के बीच की दूरी, जी हाँ, ईवी में इस्तेमाल होने वाली बैटरी में दो सेल्स के बीच की दूरी भी बढ़ाई जाएगी। रिचार्जेबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में थर्मल रनवे की स्थिति में गर्मी को निकालने में मदद करने और सेल्स को अलग करने में मदद करने के लिए पैनल द्वारा इसकी सिफारिश की गई है। समझ गया, जो बैटरी में जो सेल्स होते हैं उनके बीच की दूरी बढ़ा दी गई है। और कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स, जी हाँ, आइए जानते हैं इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स। कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स में चार्जर के लिए ऑटो कट ऑफ फीचर्स लागू उसमें होगा, बनाया जाएगा। पहला है, फोर एडिशनल सेंसर लगेंगे उसमें। क्या होंगे? फोर एडिशनल सेंसर लगेंगे। सेंसर का मतलब तो आप समझ गए होंगे, आप काफ़ी समय से सेंसर चीज से वाकिफ हैं। तो उसमें फोर एडिशनल सेंसर्स लगेंगे, उससे क्या होगा, आपको कोई दिक्कत, बैटरी में दिक्कत या उसकी चार्जिंग में दिक्कत होगी या ओवर चार्जिंग की दिक्कत होगी, तुरंत आपको सिग्नल देंगे। अच्छा, सिग्नल मिलने के बाद में आप चार्जिंग पॉइंट्स को हटा सकते हैं और उस बैटरी की मरम्मत करवा सकते हैं। एडिशनल BMS फीचर भी आपकी बैटरी में, आपकी चार्जिंग, जो चार्जिंग से चलने वाली गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसमें एक चीज़ और लगेगा, एडिशनल BMS फीचर्स लगेगा, जिसमें ओवर वोल्टेज, ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्ज, ओवर टेम्परेचर, शॉर्ट सर्किट, इन सब चीज़ से बचाने के उसमें फीचर्स लगे होंगे और वो काफ़ी लेस होंगे। तो कहने का मतलब, जो ये नियम बनाया गया है और आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में प्रॉब्लम आती है, एक्सीडेंट होते हैं, वो हो सकता है कि ना हो या कम के बराबर, ना के बराबर हो जाएगा, इतने सारे फीचर्स लगेंगे। क्योंकि जो आने वाले समय में ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, क्योंकि डीजल पेट्रोल काफ़ी महंगे हो रहे हैं और ये जो प्राकृतिक संसाधन है धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज़्यादा डिपेंड होना पड़े। हो सकता है, जहाँ तक देखने को मिल रहा है अभी, पुराने सर्वे के हिसाब से, जो अभी इधर अपने भी सर्वे हुआ, पुराना भी, पहले भी सर्वे हुआ था, उनके हिसाब से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ये नियम अगर आप जान गए हैं और आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर ये दोनों करने का मन नहीं करता है तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपका कोई मित्र है, कोई संबंधी है, कोई सखा है, तो उसके अगर काम आ सकती है तो ये जो शेयर जरूर कर देना। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।